Now we study the life cycle of the Agaricus, the gramatic. Life cycle Agaricus. This is the Agaricus having the velum, gills, phylus. Gills produce. ये gills है और ये gills है वो में भी और complete भी हो सकते हैं पूरे जैसे पूरे complete है यहाँ से लेके इसके किनारे तक होते हैं हाफ इसके बीच में आते हैं बस जो है अम्ब्रेला इसके बीच में और क्वार्टर बहुत छोटे छोटे गिल्स भी हो सकते हैं और गिल्स का नंबर में वेरी फ्रॉम 300 to 600 पर वेसिडियो कार्प इस जो फ्लोटिंग बॉडी में एक फ्लोटिंग बॉडी में 300 से 600 गिल्स हो सकते हैं देन दीज आर द गिल्स गिल्स प्रोड्यूस द वेसिडियो स्पोर्स वेसिडियो स्पोर के अभी हमने स्ट्रक्चर किया था उसमें क्या है वेसिडियो स्पोर्स के बीच में ये पैराफाइसिस है ये वेसिडियो स्पोर्स बनते हैं ये वेसिडियम है वेसिडियम के ऊपर ये वेसिडियो स्पोर बन गए ये रामा है सेंट्रल पोर्शन वेसिडियो स्पोर्स है इसमें वेसिडियम कैसे बनता है पहले तो दिस इज द सेल ऑफ डायकैरियोटिक सेल फ्यूज टू फॉर्म द डिप्लोइड न्यूक्लियस में फिर मियोसिस होगी मियोसिस हो गए दो सेल दो न्यूक्लियाई बनेंगे फिर चार न्यूक्लियाई बनेंगे फिर इस सेल के ऊपर फोर पैक पैक लाइक प्रोसेस प्रोड्यूस होगी फिर ये चारों न्यूक्लियस हर एक में एक एक ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे देन दे इंक्रीज इन साइज एंड फॉर्म द रेसिडियो स्पोर तो उनमें से दो पॉजिटिव स्ट्रेन के होंगे दो नेगेटिव स्ट्रेन के होंगे ये वेसिडियम स्पोर है फिर जर्मिनेट होंगे जर्मिनेट हो गए प्राइमरी हाइफी बनाएंगे प्राइमरी हाइफी से सेकेंडरी हाइफी बनेगी और फिर ये सेकेंडरी हाइफी के ऊपर वेसिडियो कार्प और द फ्लोटिंग बॉडी बनेगी ये सेकेंडरी हाइफी है वो एक राउंड स्ट्रक्चर बन जाएगा उसके ऊपर देन दे फॉर्म द दिस स्ट्रक्चर जिसके ऊपर ऊपर पॉइलस डेवलपमेंट होगा नीचे स्टाइप डेवलपमेंट होगा ये पॉइलस इस स्टेज को हम बटन स्टेज कहते हैं उसके बाद ये डेवलपमेंट हो गई ये प्रीलिमिनरी चैम्बर है यहाँ पे लेमिनर गिल चैम्बर बन जाएगा और यहाँ पे व्हील होती है जो मेम्ब्रेन होती है पॉइलस को इस टाइप से जोड़ती है और उसके बाद अब ये गिल्स फॉर्मेशन हो गई और यहाँ से व्हील है ये रप्चर हो जाएगी और ये अम्ब्रेला बन जाएगा इसके अंदर है स्पोर्स और गिल्स है गिल्स के ऊपर बेसिडियम बेसिडियम में स्पोर डेवलपमेंट हो गई दिस इज अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ द एगेरिकस